कि बसपा अब बहुजन समाज पार्टी नहीं ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों इस बार यूपी के नगर निकाय चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती जी की नई सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली है। बसपा ने मेयर के कुल 17 में से 11 सीटों पर इस बार मुसलमान चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। तो दोस्तों बसपा एक ऐसी पार्टी बनी है इस नगर निकाय चुनाव में जिसने मुसलमान समाज को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया है। वही दोस्तों 3 सीटों पर पिछड़ा समाज यानी कि ओबीसी को उतारा है और 2 सीटें लगी है दलितों के हाथ में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ब्राह्मणों के हिस्से में एक भी टिकट नहीं आया है बसपा का। सबसे बड़ी बात यही दोस्तों कि ब्राह्मण समाज पार्टी का टैग हासिल करने वाली पिछले कुछ समय से बसपा ने इस बार ब्राह्मणों को कर दिया है अपने टिकट से दरकिनार। हाँ दोस्तों इस बार नई सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली है बसपा सुप्रीमो मायावती जी की, जिसने उन्होंने दलित मुस्लिम एकता को साथ लेकर चलने की बात कही है। 17 में से 11 सीटें मुस्लिम उम्मीदवार को, 3 सीटें पिछड़े उम्मीदवार को और 2 सीटें दलित उम्मीदवार को दी है और ब्राह्मणों के हाथ नहीं लगी है एक भी सीट इस बार बसपा की। तो क्या माना जाए, अब मायावती जी समझ चुकी है ब्राह्मणों की चाल और अब वो केवल दे रही है बहुजन समाज पर ध्यान। तो नीचे कमेंट करके बताइए आपकी क्या है राय।